कोशिश तो मैं फ्लुएंट तरीके से महसूस करेंगे, लेकिन उर्दू में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो आए बैठे हैं जो कि नहीं समझते हैं। सराइकी तहरीक का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट क्या है, मैं सिर्फ उसको एक सत्र में कहना चाहूँगा, या आप कहें कि इसको एक सत्र के थीसिस में पेश करना चाहूँगा। और वो ये है कि सराइकी तहरीक का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड डीकोलोनाइजेशन का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करना है। डीकोलोनाइजेशन जो है ना ये सराइकी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, और स्पेशली पंजाब की डीकोलोनाइजेशन। अब इसमें दो बातें हैं, पहली बात ये है कि इस जब मैं ये कह रहा हूँ कि डीकोलोनाइजेशन का एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, और स्पेशली पंजाब की डीकोलोनाइजेशन का एजेंडा है, तो हमें यहाँ पे पंजाब के मानी को समझना होगा कि हम मैं जिसको पंजाब कह रहा हूँ वो क्या है। पंजाब जो है वो मेरे नज़दीक जो मौजूदा पंजाब है वो एक ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट है, ब्रिटिश कलोनियल कंस्ट्रक्ट है, और पंजाब अंग्रेज़ों को बहुत प्यारा था। और 1857 के बाद हम देखते हैं कि एक माई बाप जैसा एक रवैया था पंजाब के बारे में अंग्रेज़ों का, और जो पोस्ट कलोनियल पीरियड है इसमें अगर हम देखें जो इंडियन पंजाब है वो तीन हिस्सों में बंट चुका है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी सी डीकोलोनाइजेशन की बात करें कि पंजाब की डीकोलोनाइजेशन से क्या मतलब है और किस तरह से ये एक ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट है जिसको सराइकी मूवमेंट बाय डिफ़ॉल्ट डीकंस्ट्रक्ट करना चाहती है, डीकोलोनाइज करना चाहती है, इस हवाले से मैं दो तीन जिसको हम फॉर्म्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन कहते हैं उसके हवाले से बात करूंगा कि सराइकी मूवमेंट के पॉलिटिकल एजेंडे की जो फॉर्म्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन है वो क्या हैं। पहली फॉर्म ऑफ डीकोलोनाइजेशन तो लैंग्वेज है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे पंजाब में 1850s में उर्दू को जो है वो एक सरकारी ज़बान के तौर पे लागू किया गया था, और ये बहुत बड़ी डिबेट थी ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे कि यहाँ पे कौन सी ज़बान लागू की जाए। तो 1837 में जब ब्रिटिश ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी बनाई और उसके पीछे बड़ा सा एक डिबेट थी, तो उसमें पहली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि सरकारी तौर पे ऊपर इंग्लिश होगी और नीचे जो है जिनको वो वर्नेकुलर्स कहते थे वो होंगी। तो उसके नतीजे में बंगाल में बंगाली आई, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी अंग्रेज़ों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वहाँ पे तमिल ज़बान थी, कणा ज़बान थी, तेलुगु ज़बान थी। बम्बे प्रेसिडेंसी में अगर आप देखें तो 1840 से लेके अब तक कलोनियल पीरियड तक मराठी, गुजराती और सिंध क्योंकि शामिल था बम्बे प्रेसिडेंसी में 1935 से पहले तक, तो सिंधी ये सारी की सारी जो है ये ज़बानें जो है इनकी सरकारी हैसियत थी। सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा था, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जहाँ पे ब्रिटिश ने ये चॉइस किया कि हम उर्दू लागू करेंगे, और उर्दू जो है यहाँ की मकामी ज़बान नहीं थी। तो इसके पीछे बुनियादी तौर पे क्या मुहरकात थे, बड़ी लंबी हिस्ट्री है ब्रिटिश के जो है उसमें कलोनियल एटीट्यूड भी था, उन्होंने कहा कि ये जो पंजाबी ज़बान है ये जांगली ज़बान है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएं तो बेसिकली वो पंजाब को अपना एक ख़ास तौर पे 1857 के बाद एक फोर्ट के तौर पे देख रहे थे कि इंडिया में अगर हमने रूल करना है तो हमने पंजाब में अपनी ताकत को जो है वो मुस्तहकम करना है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के अंदर जब उर्दू लागू हुई और पाकिस्तान बनने के बाद भी उर्दू जो है वो नेशनल ज़बान बनी, तो पंजाब के अंदर कोई तहरीक नहीं थी अपनी ज़बान के हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा कि दानिश्वरों की सतह पे कोई थोड़ी बड़ी बात ना होना, वो तो थी, लोग बात भी करते थे, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के अंदर कोई अपनी ज़बान के हवाले से कोई तहरीक नहीं थी। और जब मैं ज़बान की बात करता हूँ
तो जबान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, एक अबलाग का जरिया नहीं है, ये एक बहुत बुनियादी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जबान एक बीइंग है, एक वजूद है, जो जिस जबान में आप बोलते हैं, सोचते हैं, जिसमें ख्वाब देखते हैं, वो आपके एहसासात को, आपकी शख्सियत को, हर चीज़ को वो मुतासर करती है। आपका पूरा जो माइंड सेट है वो जबान से बनता है। इसलिए जो है वो बहुत सारे दानिश्वर ये कहते हैं कि जबान जो है वो हमारे बीइंग का एक कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट है, ये हमें बनाता है। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर लैंग्वेज मूवमेंट जो है ना वो बहुत सरसरी सी रही, और ये सरायकियों ने पंजाब के अंदर रहते हुए पहली दफ़ा लैंग्वेज का इशू बहुत ज़ोर शोर से उठाया, और उन्होंने कहा हमारी मादरी ज़बान है, हमने अपनी ज़बान में तालीम लेनी है, और उसके लिए उन्होंने काम किया, उसका स्क्रिप्ट बनाया, उसके लिए उन्होंने जो जो आगे मैं तफसील बताऊँगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोगों की सतह पर पहली दफ़ा ज़बान का इशू जो है वो बड़े ताकतवर अंदाज से सरायकी वसेब से उठा, पंजाब से नहीं उठा। और तो पहली डीकोलोनाइजेशन की जो फॉर्म है सरायकी मूवमेंट की, मैंने जैसे कहा कि सरायकी मूवमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा डीकोलोनाइजेशन है, तो पहली डीकोलोनाइजेशन का जो फॉर्म है वो लैंग्वेज है। अपनी ज़बान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, उसको इज्जत देना, उसकी बढ़ोतरी करना, क्योंकि आप जब अपनी ज़बान के साथ उसको अहमियत देते हैं तो आप अपने सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ती है। अदरवाइज आपका सेल्फ इमेज एक डिस्टार्टेड इमेज होता है, वो आपका सेल्फ इमेज जो है वो हेल्दी नहीं हो सकता, वो सेहतमंद नहीं हो सकता। तो इसलिए ये डीकोलोनाइजेशन की पहली जो है ना वो सरायकी मूवमेंट की जो है ना वो आप कह लें कि फॉर्म है, जो कि सरायकी मूवमेंट के ज़रिए बढ़ी। इस पे तफसीली बात हो सकती है ज़बान के इशू पे, लेकिन ये कि मैं इसको डीकोलोनाइजेशन के एजेंडे का एक पार्ट एंड पार्सल देखता हूँ। अपनी ज़बान को बढ़ाना, उससे मोहब्बत करना, उसको उसके लिए प्लानिंग करना। दूसरा जो अच्छा, ये भी एक जहन में रखें कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इज डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। ये एक अफ्रीकन राइटर है अगुंगी, उन्होंने ये एक बुक लिखी है डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप अपनी ज़बान छोड़ देते हैं, अजनबी ज़बान में, बाहर की ज़बान में आप उसको अडाप्ट कर देते हैं, तो वो बेसिकली एक कॉलोनाइजेशन की फॉर्म है, और उसको डीकोलोनाइज करने के लिए आपको लैंग्वेज से ही दोबारा शुरू करना पड़ता है। दूसरी जो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है डीकोलोनाइजेशन है, वो सेटलर सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी की डिबेट। देखिए पंजाब में क्या हुआ कि 1890s के बाद हम देखते हैं कि पंजाब, ख़ासतौर पे जो अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब है, उसके अंदर कैनाल कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। चनाब के ऊपर अपर चनाब, लोअर चनाब कैनाल कॉलोनीज बनती हैं, फिर जैलम के ऊपर बनती हैं, फिर रावी के ऊपर बनती हैं। करोड़ों एकड़ रकबा जो है वो वहाँ पे बुनियादी तौर पे ज़ेरे काश्त लाया जाता है। वो क्यों लाया जाता है, इसके बहुत से सवाल आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैनचेस्टर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके लिए ब्रिटिश को ज़रूरत थी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इरिगेटेड कल्टीवेटेड लैंड बढ़ाई जाए, और उसके नतीजे में वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राह है वो मिले। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग थी कॉलोनियलिज्म की, जो कि वो पंजाब के अंदर करना चाहता था। लेकिन हकीकत ये है कि करोड़ों एकड़ अराजी जो है वो नई कैनाल कॉलोनीज के अंदर इरिगेटेड हुई। उसका वो सिर्फ एक कैनाल इरिगेशन का प्रोजेक्ट नहीं था, वो पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था। इसलिए कि पहले तो ब्रिटिश ने यह किया कि उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर जानते नहीं है, क्योंकि ऊपर जो पंजाब का सेंट्रल पंजाब जो है, ये आज आपको जो वहाँ का लैंडस्केप नज़र आता है ये ऐसा नहीं था, इट हैज़ बीन टोटली चेंज्ड। अब आप जाते हैं तो आपको जो लैंडस्केप पंजाब का नज़र आता है 1860s 1880s तक इट वाज रेडिकली डिफरेंट। छोटे छोटे जंगल थे, बारें थी, पानी नीचे था, ज़्यादातर पेस्टोरल नुमैड खानाबदोश लोग रहते थे। तो
तो ब्रिटिश ने जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट इरिगेशन के साथ एसोसिएट किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम इंडियन पंजाब जिसको अब हम कहते हैं वहाँ से सेटलर्स लाएंगे, यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो काश्तकारी नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंगली मैसिव लेवल पे पूरी डेमोग्राफी सेंट्रल पंजाब की चेंज हुई। 30% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी आपको सेंसस में मिलता है 1890 के बाद, ये जो कैनाल कलोनीज डिस्ट्रिक्ट्स है 30% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, आपको फिरोजपुर, यहाँ से बेशुमार लोग जो है ना वो माइग्रेट करके आते। तो बेसिकली ब्रिटिश पंजाब को अंग्रेजों ने एक सेटलर सोसाइटी बना दिया। सेटलर सोसाइटी अमेरिका का आप तसव्वुर जहन में रखें, जब एक सेटलर सोसाइटी बनती है तो वो कम्युनिटी नहीं होती है, वो सेटलर सोसाइटी होती है, उसका सेटलर माइंड सेट होता है। और उसका जो कम्युनिटी के साथ, लोकल लोगों के साथ, मकामियत के साथ ताल्लुक होता है वो एक होस्टाइल रिलेशनशिप होता है। उसका इजहार मैं आपको बताता हूँ, आप आज भी जाएं फैसलाबाद के, आप दरिया के इलाकों के करीब चले जाएं, पुराने कस्बे समंदरी में चले जाएं, आपको वहाँ की मकामी आबादी को मिलेगा, उनको वो जांगली कहते हैं, सेवेज कहते हैं, आज भी कहते हैं। और यह ब्रिटिश पीरियड से ये शुरू हुआ था। एक डिसरिस्पेक्ट होती है एक सेटलर की उस जमीन के साथ जहाँ पे वो आके रहता है, उस उन लोगों के साथ जिनका वो नेबरहुड बनते हैं। और सेटलर सोसाइटी बड़ी इंस्ट्रूमेंटल सोसाइटी होती है, ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं होती। जो कम्युनिटी, हिस्टोरिकल कम्युनिटीज होती हैं, जो सदियों से एक गांव में एक दूसरे के साथ रहती हैं, वो ऑर्गेनिक कम्युनिटी होती है, वो इंस्ट्रूमेंटल उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो बेसिकली सराकी मूवमेंट जो है वो उस सेटलर सोसाइटी के एक्सपीरियंस से मर चुका कि हमें ये जो सेटलर माइंड सेट है, जो इंस्ट्रूमेंटल माइंड सेट है, हमें इसमें नहीं रहना। हमने अपने आप को अपने रूट्स के साथ, अपनी मकामियत के साथ, अपने गांव के साथ, अपनी जमीन के साथ, पानी के साथ, भूटों के साथ, पौधों के साथ, उसके साथ जुड़ना है। क्योंकि वो भी जबान की तरह आपके बीइंग का हिस्सा होते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, यही कुछ होता है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के जो आपका इन्वायरमेंट होता है आप उसको अडाप्ट करते हैं, उसके साथ आपकी एक खास तरह का रिश्ता बनता है। तो ये एक दूसरी फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है कि सराकियों ने सेटलर सोसाइटी, सेटलर माइंडसेट को क्रिटिकली लिया और उसकी जगह एक मकामियत का जो पैराडाइम है, नोशन है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और इसके हवाले से उन्होंने बात की। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ, सेंट्रल पंजाब का जो लैंडस्केप था वो जब चेंज हुआ, और लैंडस्केप को आप कोई कम अहम चीज ना समझे, लैंडस्केप हमारी डीप साइकोलॉजी में बहुत अंदर तक बैठा हुआ होता है। तो उसके नतीजे में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ एक बड़ा अजीब सा इंस्ट्रूमेंटल रिलेशन बनता है। जैसे आप मिसाल दे दें, जब भी डैम्स की बात आती है तो पंजाब में कहते हैं जी 10,000 डैम बना दे। भाई रिवर की इकोलॉजी, उसके साथ मछली, उसके साथ जंगल, उसके साथ एक आपकी पूरी एसोसिएशन। तो ये सेटलर माइंडसेट जो है ना लैंडस्केप को उस तरह से नहीं देखता, जबकि उसके मुकाबले में सराकी मूवमेंट का लैंडस्केप के साथ एक बड़ा इमोशनल रिलेशनशिप है। अगर आप ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की शायरी देखें तो रोही चौलिस्तान का उन्होंने जो उसको मुख्तलिफ रंग में बताया हुआ है कि रोही रंग रंगीलड़ी, और कभी वो शिकायत करता है कि रोही जो है मैं उससे दूर हूँ और वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, कई रंगों में इस तरह से हमारे जो अपने दरख्तों के साथ उनका शायरी में जो इस्तेमाल है। तो ये लैंडस्केप जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल रियलिटी होती है जो आपके माइंड को फौरी अफेक्ट करती है, आपको जोड़ती है उस लोकेलिटी के साथ जिसमें आप रह रहे होते हैं। तो पंजाब का लैंडस्केप बिल्कुल आर्टिफिशियल बन गया। और मैं थोड़ा सा आऊँगा सराकी इलाके में क्या कॉलोनाइजेशन की फॉर्म्स हुई, क्योंकि
1930 में सतलुज वैली प्रोजेक्ट बना के भावलपुर में पहली दफ़ा जो है वो सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया। फिर सिंध तास मुआहदे के बाद वहाँ मजीद आबादकारी के मनसूबे लाए गए, जैसे कि जिनाब एराज से उन्होंने थल कैनाल निकाली, थल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर आबादकारी की। तो उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस लैंडस्केप के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए और उस सेटलर माइंडसेट के अगेंस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डीकोलोनाइजेशन, यह जो सूबे का मुतालबा है ये भी एक डीकोलोनाइजेशन की फॉर्म है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में 3 सूबे बन चुके हैं, क्योंकि ब्रिटिश की ये जो चाहत थी वो ये थी कि वो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए। जैसे बम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसमें गुजरात भी शामिल था, मराठा भी, मतलब पूरा का पूरा मराठा का जो इलाका था वो भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। इस तरह से अगर आप मद्रास प्रेसिडेंसी को लें तो पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये सारे उसमें शामिल थे। ब्रिटिश को फैसिनेशन थी कि बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए और ताकि वहाँ पे उनको वहाँ की मकामी आबादी को कंट्रोल करना आसान हो। उसके नतीजे में अगर आप इंडिया का तजर्बा देखें तो कॉलोनियल पीरियड के अंदर ही मकामी शनाख्तों के इश्यूज उठ गए थे, कांग्रेस को उसको डील करना पड़ा। 1920 में नेहरू कमेटी बनी और उन्होंने तय किया कि हम अब लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएंगे। और जब 1947 के बाद अगर आप देखें तो 1950s में फिर इंडिया में धड़ाधड़ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीडिविजन का एक पूरा पीरियड मिलता है। मद्रास प्रेसिडेंसी बट गई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में। इस तरह से आपको पंजाब की तो मैंने मिसाल दी कि वो 2 हिस्सों में बट गया। इस तरह से आपको जो है ना वो बंगाल जो था उसमें से बिहार अलहदा हो गया, बिहार बंगाल का पहले हिस्सा था, और फिर बिहार और बंगाल में से फिर जो है वो झारखंड अलहदा हुआ। तो ये प्रोसेस अभी तक चल रहा है। तो जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज थी उनको डीकंस्ट्रक्ट करना जो है पाकिस्तान में ये नहीं हुआ। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा हम एक्स फाटा रीजन से, तो ये फाटा क्या था? ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी थी। पंजाब क्या है? पंजाब एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है जिसको हमारे बॉर्डर के उस पार उन्होंने डीकंस्ट्रक्ट किया है। सरायकियों का मुतालबा है कि इसको आप यहाँ पाकिस्तान में भी डीकंस्ट्रक्ट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो लिंग्विस्टिकली बनाए जाएं और वहाँ के लोकल और वहाँ की मकामी आबादियों के हिसाब से बनाए जाएं, वहाँ के क्लेम्स के हिसाब से बनाए जाएं। तो ये पाकिस्तानी रियासत ने इसको डिले किया और हम इसको जानते हैं। और भी बहुत सारी डीकोलोनाइजेशन की फॉर्म्स हैं जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मीन्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन क्या है सराइकी इलाके? मैं दोबारा दोहराता हूँ, सराइकी मूवमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो डीकोलोनाइजेशन है। और डीकोलोनाइजेशन जो है वो 1980s के बाद दुनिया में दोबारा सर उठाया है उस इशू ने कि जो कॉलोनाइजेशन हुई थी वो कम्प्लीट नहीं थी। और दानिश्वरों ने, सियासी तहरीकों ने कहा है कि हमें डीकोलोनाइजेशन को दोबारा देखना होगा। और सराइकी भी पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट है और उन्होंने डीकोलोनाइजेशन के एजेंडे को मुख्तलिफ शक्लों में दोबारा सोचा और उसको पॉलिटिकली आर्टिकुलेट किया। ये तो मेरा थीसिस है कि एजेंडा जो पॉलिटिकल है वो सराइकी मूवमेंट का डीकोलोनाइजेशन। इसके मीन्स क्या है? इसका 2 मीन्स है डीकोलोनाइजेशन के, अगर हम सराइकी मूवमेंट को तजिया करें। पहला जो मीन है वो रिकग्निशन का है, और यहां पे हमें आइडेंटिटी और रिकग्निशन में फर्क करना होगा। आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो शनाख्त होती है। शनाख्त आपकी मुख्तलिफ भी होती हैं, गिवन भी होती हैं, एस्क्रिप्टिव भी होती हैं। शनाख्त की कई शक्लें हैं, लेकिन रिकग्निशन का पहले तो आप इस लव्स की एटिमोलॉजी या इसके आप जड़ों में जाएं कि रिकग्निशन का मतलब क्या है। रिकग्निशन में री जो है वो तो दोबारा रेपिटेशन के सेंस में आता है, प्रीफिक्स है कि जब आप कोई चीज दोबारा करते हैं तो वो री की सफिक्स के साथ आता है।
तो कॉग्निशन का मतलब है जानना, रिकॉग्निशन मतलब दोबारा जानना, जो आपका अभी तक जान है, जो अभी तक आपका नोइंग है, जो अभी तक आपका इल्म है, उसको दोबारा आप खंगालें, तब वो रिकॉग्निशन बनती है। रिकॉग्निशन जो है, इट इज नॉट सिंपल प्रोसेस ऑफ नोइंग कि बस आपने जान लिया, उसको जब आप दोबारा तनकीदी तौर पे खंगालते हैं तो तब वो रिकॉग्निशन का प्रोसेस बनता है। और दुनिया में 1990 के बाद जो आइडेंटिटी मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे ये रिकॉग्निशन का इशू जो है वो बहुत बढ़ के सामने आया, और उसकी मुख्तलिफ शक्लें हमें नज़र आती हैं। रिकॉग्निशन का प्रोसेस जो है वो एसोसिएटेड है मिस रिकॉग्निशन के साथ। रिकॉग्निशन ऐसे नहीं होती, जब आप मिस रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आपकी गलत पहचान हो रही है, आपको गलत पहचाना जा रहा है, तो तब आप वी फील द नीड टू रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ एंड अदर्स, क्योंकि आइडेंटिटी अस एंड देम का रिलेशनशिप है, और अस एंड देम को मैं और दूसरे को इन्वॉल्व करता है, इसमें अदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिकॉग्निशन के प्रोसेस में ये होता है कि आप अपने आप को भी दोबारा देखते हैं, और अपना जो दूसरे के साथ रिश्ता है उसको भी दोबारा देखते हैं, और वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन का एक फील बनता है कि हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। हमारे एक शायर है, वो जब नई नई मुल्तान में रेलवे बन रही थी तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा है, एक एपिक है। तो जब वो बताते हैं कि मेम साहब जो है ना, मुल्तान में जब पहले रेलवे स्टेशन बना तो पहली जो रेल गाड़ी आई तो उसमें से एक मेम साहब उतरी। तो मेम साहब उतरी तो उन्होंने एक मकामी बंदे को देखा, तो उस इमेजिनरी सिचुएशन को उन्होंने एक शेर में लिखा कि तुस्सा साकू डिठा, यानी आपने हमें देखा, असा तो को डिठा, हमने आपको देखा। क्योंकि रिकॉग्निशन में देखना इंपॉर्टेंट होता है, गेज इंपॉर्टेंट होती है, वेज ऑफ सीइंग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, असा तो को जीवे डिठा, तुसा ओ डिठा ना, हमने जैसे आपको देखा वो आपने नहीं देखा। तो हम मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को कैसे देखते हैं उस देखने में महरूम रह जाते हैं। और यही मिस रिकॉग्निशन कि दूसरा हमें कैसे देख रहा है, ये जो म्यूचुअलिटी है, ये कैसे दूसरा हमें कैसे देख रहा है, इसमें महरूमी जो है ना वो मिस रिकॉग्निशन को लेके आती है। और मिस रिकॉग्निशन प्राइमरली पॉलिटिकल होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे चार्ल्स, मिस रिकॉग्निशन के ऊपर बहुत एकेडमिक लिटरेचर है, हीगल से शुरू होता है, चार्ल्स टेरर, एक्सेल हॉर्नेथ, और फिर उसके बाद पॉल रिकोर जो हैं, ये बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने रिकॉग्निशन और पॉलिटिक्स को नए सिरे से आर्टिकुलेट किया है, और उसके बहुत से डायमेंशंस देखे हैं। तो सराकियों का जो मींस ऑफ डीकोलोनाइजेशन है वो पहला रिकॉग्निशन है। इसके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सुजान। सुजान का मतलब ये है कि जान, पहचान, जानना, नोइंग। इसमें जो सुजान में जो आखिरी जान है वो नोइंग है। तो सुजान जो है ये पहला अमल है, और ये सराकियों की अपनी जबान की पहचान, अपने इलाके की पहचान, अपने रूट्स की पहचान, अपनी इकोलॉजी की पहचान, अपने इन्वायरमेंट की पहचान, अपने अदर की पहचान, कि दूसरा कौन है जिससे हमारा वास्ता है, जिसको हम सिग्निफिकेंट अदर कहते हैं, उसकी पहचान। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये रिकॉग्निशन के थ्रू हुआ है। ये आसान अमल नहीं होता है, ये डेकेड्स तक चलता है, और ये कम्युनिटी प्रोसेस करती है। इस प्रोसेसिंग में बड़ी डिबेट्स होती हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, डायलॉजिक होता है। ये नहीं है कि आप बैठे बैठे बस आपने एक रिकॉग्निशन कर ली, ये एक पूरा एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल प्रोसेस होता है। तो सराकियों का मींस ऑफ डीकोलोनाइजेशन रिकॉग्निशन है, विच इमर्जेस फ्रॉम मिस रिकॉग्निशन। हमें पंजाबी न कहा जाए, मैं तिरसा मेरी धरती तिरसी, तिरसी रोई जाई मैं को आख न पांच दरिया। ये हमारे एक शायर का एक शेर है कि मैं भी प्यासा हूँ, मेरी धरती भी प्यासी है, रोही में पैदा होने वाली भी प्यासी है, तो मुझे पांच दरिया क्यों कह रहे हैं भाई, हम तो प्यासे हैं।
मेटाफोरिकली इस्तारे के तौर पे उन्होंने बिल्कुल उलट कर दिया। तो ये रिकग्निशन है, ये सुजान है जिसमें आप मेटाफर के जरिए, लैंग्वेज के जरिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के जरिए, पॉलिटिकल एक्शन के जरिए आप रिकग्निशन करते हैं और अपनी मिस रिकग्निशन को चैलेंज करते हैं। अच्छा, दिलचस्प अमल है रिकग्निशन में आप और डीपर जाएं। वैसे जिन लोगों को फेमिनिज्म में इंटरेस्ट है, फेमिनिज्म इज आल्सो ए फील्ड ऑफ रिकग्निशन। मेल और फीमेल एक दूसरे को अपने रिलेशनशिप में कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, यही मिस रिकग्निशन ही है जो कि बेसिकली जिसने फेमिनिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया है। देयर इज ए बेसिकली फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग के वीमेन्स आर कंटिन्यूसली मिस रिकग्नाइज। तो ये मिस रिकग्निशन को आप उस प्रोसेस में देखें, जो भी आइडेंटिटी मूवमेंट्स होती हैं उसमें रिकग्निशन और मिस रिकग्निशन और म्यूचुअल रिकग्निशन का जो फील्ड है वो जुड़ा हुआ होता है। रिकग्निशन के साथ एक इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल चीज होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब आप कहते हैं कि हमें रिकग्नाइज किया जाए तो उसका मतलब ये है कि हमारे हकूक के साथ हमें रिकग्नाइज किया जाए। हमारे हकूक क्या है? हमारे हकूक मिसाल के तौर पे ये है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए अलहदा अपना सराकीम को, हमें NFCA अवार्ड में हिस्सा चाहिए, हमें अपनी जबान बच्चों को पढ़ाने का राइट चाहिए, हमें अपनी ज़मीनों के बारे में अपनी पॉलिसी, पानियों के बारे में अपनी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए जिसको सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये सारे रीडिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्लास का इशू भी आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा क्लास का इशू नहीं आता, उसमें औरतों का इशू भी आ जाता है और बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं उसको उसमें फेल भी होती हैं। और सराकियों के लिए भी औरतों का इशू और लैंड का इशू, रीडिस्ट्रीब्यूशन के इशूज़ इस रिकग्निशन प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है और उनको वो कन्फ्रंट करने पड़ेंगे। किसी हद तक वो कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे करने पड़ेंगे। तो ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का इशू भी रिकग्निशन के साथ ही जुड़ा होता है। जब आपको रिकग्नाइज नहीं किया जाता तो आपकी आपको आपके राइट्स नहीं मिल सकते, इसलिए कि आपका होने का जो जवाज़ है वो रिकग्निशन से आता है। मैं लंबी बात कर गया हूँ लेकिन आखिरी बात इस हवाले से मैं ये करना चाहता हूँ कि ये बहुत सर्कुलर होता है मिस रिकग्निशन का और मिस रिकग्निशन का प्रोसेस। सराकियों के बहाने पंजाब को भी अपनी रिकग्निशन करने का एक मौका मिला, क्योंकि रिकग्निशन का फील चैलेंजिंग होता है। जब सराकियों ने कहा हम पंजाबी नहीं है तो फिर पंजाबियों ने कहा नहीं आप पंजाबी हैं, आप हैं नहीं हैं, हम कौन हैं फिर। तो अदर के लिए जो चैलेंज आया है ना उस सेंस में आप जब अपनी रिकग्निशन करते हैं तो, क्योंकि अदर के बगैर, म्यूचुअलिटी के बगैर तो रिकग्निशन होती नहीं है, हम सोसाइटी में रहते हैं। तो उसको मैं अगर मुख्तसर कहूँ तो पंजाब के लिए भी सराकियों ने एक रिकग्निशन का चैलेंज पोज कर दिया कि आप भी हम, क्योंकि इनकार जो होता है हम ये नहीं है, उससे जो दूसरा होता है जो कह रहा है आप ये हैं, उसके लिए एक चैलेंज तो आता है। और पंजाबी मूवमेंट और पंजाबी जो सोसाइटी है उसके लिए सराकी एक इस तरह का चैलेंज उन्होंने पोज कर दिया। तो ये आप अदर के लिए भी एक चैलेंज बना रहे होते हैं, वो दोबारा अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करें, एवेलुएट करें। आखिरी बात लंबी हो गई, सराकी मूवमेंट के एक्शंस क्या है, क्योंकि रिकग्निशन इज क्लोजली टाइड अप विद द एक्शंस। आपका रिकग्निशन का प्रोसेस मुसलसल आपके एक्शंस में ट्रांसलेट होता रहता है। ये तो नहीं है कि आप कोई योगी हैं साधु हैं, बैठे हैं आंखें बंद करके और आप बस एक समाधि में जो है वो सोच रहे हैं कि दुनिया क्या है, हस्ती क्या है। ये रिकग्निशन का प्रोसेस इज ए काइंड ऑफ ए वेरी एक्टिव प्रोसेस, एक्शन उसका हिस्सा होता है। तो उस एक्शन में सराकी मूवमेंट की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसके तीन हिस्से बनते हैं सराकी मूवमेंट के, जो कि उनके मुख्तलिफ एक्शंस को हम सीरीज में देखें। 1960s से लेके 1975 तक जो पहला हिस्सा है एक्शन का वो ये कि जब वो कहते हैं हम पंजाबी नहीं हैं तो अपनी जबान की पहचान करते हैं और अपनी जबान की लैंग्वेज की प्लानिंग करते हैं। लैंग्वेज प्लानिंग जो है ये दुनिया में रियासतें करती हैं आमतौर पर, कि आपका लैंग्वेज क्या हो, स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, कोर्ट के अंदर,
एजुकेशन के अंदर समटाइम्स सोसाइटीज भी लैंग्वेज प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है, समटाइम्स देयर आर रियर केसेस। और सराइकियों का जो लैंग्वेज प्लानिंग का अपना केस है, नाम रखने से लेके स्क्रिप्ट बनाने से लेके किताबें छापने तक, ये सारा का सारा प्रोसेस सोसाइटी ने किया है, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। और ये छोटी बात नहीं है कि आप एक करोड़ों की आबादी जो है, पहली बात ये कि वो अपने नाम के ऊपर इत्तफाक कर ले कि हमारी जबान का ये नाम है। कोई पहले मुल्तानी कहता था, रियासती कहता था, डेरे वाली कहता था, और उसको एक नाम देना और उसको एक्सक्लूड करना पंजाबी से, ये जो रिकग्निशन का प्रोसेस है लैंग्वेज की लेवल पे, इसमें बेसिकली लैंग्वेज प्लानिंग इन्वॉल्व है। और उस लैंग्वेज प्लानिंग को सराइकियों ने किया है, अपनी जबान को पहली बात एक नाम देना और उसका सारे समाज को मान लेना, दूसरी बात ये कि उसका स्क्रिप्ट बनाना जो रियासत का काम होता है, और उसका सब लोगों को मान लेना। और अभी तो आप लोगों की बात छोड़ें, अभी तो ये विंडो में आपके आपके सारी ये जो मतलब एंड्रॉयड में ये सराइकी स्क्रिप्ट इज ए ऑफिशियल स्क्रिप्ट। मैं जब सराइकी लिखता हूँ विंडो में, तो मुझे सराइकी स्क्रिप्ट जो है ना, आई कैन राइट इट। तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने लैंग्वेज प्लानिंग की है, अपना स्क्रिप्ट बनाया है, उस पर कंसेंसस किया है, उसमें किताबें छापी हैं विदाउट एनी स्टेट स्पॉन्सरशिप। तो ये 1960 से लेके 1975 तक जब सराइकी कॉन्फ्रेंस होती है पीपल्स पार्टी के दौर में, तो ये बेसिकली लैंग्वेज मूवमेंट का दौर है, लैंग्वेज प्लानिंग का दौर है, और यही एक्शंस थे जो कि सराइकी ले रहे थे 1975 से लेके 2000 तक। कल्चरल मूवमेंट चलती है, कल्चर और लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क होता है। लैंग्वेज मूवमेंट जो है वो बहुत प्राइमरी इशू उठाती है कि भाई ये आपकी जबान क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, जैसे मैंने बताया कैसे उसमें लिखें, कैसे छापें, प्रिंटिंग करें। कल्चरल मूवमेंट लोगों के पास जाने का प्रोसेस होता है, क्योंकि कल्चर इज द फील रिलेटेड टू द पीपल, लोगों के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो सराइकियों की 1975 से लेके 80 से लेके 2000 तक दो जो दिहाइयां हैं वो कल्चरल मूवमेंट की पीरियड, उसमें मेले ठेले करना, उसमें अपने डांस को, झूमर को एक वेपन बनाना, उसमें दोबारा अपने लोगों के साथ डायलॉग करना कि हम कौन हैं, हमारे क्या इश्यूज हैं, ये कल्चरल मूवमेंट थी। इसलिए 2000 तक आपको सराइकी की जो पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है वो बहुत कम नज़र आती है। आप वैसे रिसर्चर हैं, आप उठा लें, रिसर्च कर लें, आपको सराइकियों की पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन 2000 से पहले फोर्सफुल वे से नज़र नहीं आएगी। 2008 जो है वो ख़ास तौर पे 2008 वो पॉलिटिकल मूवमेंट का दौर है जो कि अभी आर्टिकुलेट हो रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में पहली दफ़ा सराइकी सूबे का इशू जो है वो 2008 में आना शुरू हुआ, और 2008 के बाद 2010 में सराइकी के ऊपर रेजोल्यूशन हुई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, पंजाब असेंबली में भी पंजाब टूटने के ऊपर रेजोल्यूशन हुई। कुछ लोग इसको मिरिकल कह सकते हैं, जो भी कहें, लेकिन 2010 में पंजाब असेंबली में पंजाब को तोड़ने के ऊपर रेजोल्यूशन हुई। उसी रेजोल्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नेशनल असेंबली पार्लियामेंट, जब तक सूबाई असेंबली हमारा जो आइन है वो रेजोल्यूशन न पास करे, वो नए सूबे की कोई बात नहीं कर सकती पार्लियामेंट। तो ये पंजाब असेंबली में सराइकीज वर सक्सेसफुल टू गेट द रेजोल्यूशन पास्ड फ्रॉम पंजाब असेंबली कि पंजाब शुड बी डिवाइडेड इंटू वन आर टू यूनिट्स। नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन हुई, फिर पार्लियामेंट्री कमीशन बना, और उस पार्लियामेंट्री कमीशन ने एक पूरा प्रोसेस किया, उसकी रिपोर्ट है जो कि आपको वेबसाइट पे भी मिल जाती है। और उस पार्लियामेंट्री कमीशन की बुनियाद पे सेनेट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पास हुआ 2/3 मेजॉरिटी के साथ। वो नेशनल असेंबली में नहीं गया इसलिए कि अभी सराइकियों की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो भी वजूहात हैं, लेकिन ये कि ये एक ब्रेक थ्रू है कि एक दफ़ा आप सेनेट से, असेंबली से रेजोल्यूशन भी पास कर लें और एक अमेंडमेंट बिल भी पास कर लें, और फिर
ये रिकग्निशन का अजीब सा चक्कर होता है, जब हमने कहा हम सराकी हैं तो जो अदर है, जो 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 जाए उसको अदर को आप जो भी कह दें, पंजाब है, स्टेट है, एथनिकली हेजमोनिक पंजाब है, स्टेट डोमिनेटिंग पंजाब है, उन्होंने कहा ये जनूबी पंजाब है। इस डायनामिक्स पे भी गौर करें कि हमने 20-30 साल कहा कि हम सराकी हैं, सराकी वसेब है, सराकी जबान है, ये है वो है, उन्होंने कहा नहीं आप जनूबी पंजाब हैं। ये सराकियों ने कहा हमें जो भी कहते हैं, आप जरा सुबह तो बनाए ना, क्योंकि रिकग्निशन जो हम अपनी कर चुके हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप हमें जनूबी पंजाब कहें, आप सरहद को खैबर पख्तूनख्वा कहें, खैबर पख्तूनख्वा को सरहद कहें, फलां को जो